तो आप अपने स्टार कास्ट को, अपने यूनिट को कितना मिस कर रहे हैं इस वक्त? डेफिनेटली बहुत मिस कर रहा हूँ, और हम लोगों ने अभी, जैसा आप सब जानते हैं, हमने घर से एपिसोड शूट करने शुरू, तो मैं भी उसी के बीच में हूँ जो इस लाइफ के जा रहा हूँ. बहुत काम बाकी है, आई एम शूटिंग अ लॉट ऑफ सीन विद वेरी वेरी लिटिल हेल्प. एंड निशांत, शूटिंग फ्रॉम होम इज कहीं ना कहीं इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल. सो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा है घर से शूट करना शो के लिए? मेरे को लगता है कि अब COVID-19 के बाद ना पूरी दुनिया में एक न्यू नॉर्मल आने वाला है, जिसमें बहुत चीजें बदलने वाली हैं. शूट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मुझे लगता है उसका काम करने का तरीका बदल गया. बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी आ रही हैं कि यूनिट छोटे होने वाले हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू सीनियर एक्टर्स मे नॉट बी यू नो एम्प्लॉयड एनीमोर बिकॉज इट्स द मोस्ट डेंजरस फॉर देयर हेल्थ. थोड़ी डेस्टिनी है जो उनके लिए अनफेयर हो रही है कि कोविड की वजह से वो काम नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी एबिलिटी होने के बावजूद भी काम नहीं कर पाएंगे. आपको कहीं ना कहीं लगता है कि प्रोडक्शन हाउसेस को, चैनल्स को, दे शुड कम अप विद अ मिडिल वे जहां पर शायद उन्हें घर से काम करने के लिए यू नो वो कुछ ऐसा रास्ता निकालें, अ मिडिल वे? नहीं, मैं आप जो कह रहे हो ना मिडिल वे होता तो जरूर मुझे लगता है कि अभी तक सोच लिया होता किसी ने तो, लेकिन कोई मिडिल वे है नहीं. आप एक बार जब सेट पे शूट स्टार्ट करते हो तो आप एक एपिसोड इमेजिन करिए जहाँ पर आप सेट पे शूट कर रहे हैं प्रॉपर अपने प्रोफेशनल कैमराज एंड लाइटिंग के साथ, सडनली बीच में किसी सीनियर एक्टर का घर का मोबाइल वाला शॉट आएगा तो आप नहीं देख पाएंगे. टेक्निकली इट इज रॉन्ग. सो आई थिंक दैट इज द रीजन दैट ये पॉसिबल नहीं है. या तो आप सारे एपिसोड घर पे बनाओ तो एक ही तरह का एक चलता रहेगा आपका विजुअल. आप प्रोफेशनल शूट कर रहे हो फिर बीच में मोबाइल का शॉट आ रहा है जो पिक्सेलेट हो रहा है, लाइटिंग खराब है, टेढ़ा मेढ़ा है, यू नो इट्स नॉट पॉसिबल टू शूट इट एज मच एज अ प्रोफेशनल कैमरा. तो मिडिल वे होता तो मुझे लगता है अच्छी बात होती है. दैट्स द फैक्ट. एंड व्हाट डू यू थिंक निशांत, ये जो नए गाइडलाइंस आए हैं जिसमें आपको लिमिटेड यू नो पीपल के साथ शूट करना पड़ेगा, यूनिट मेंबर्स के साथ या कास्ट के साथ, यू हैव टू डू योर ओन मेकअप, हाउ कंफर्टेबल एक्टर्स विल बी विद दिस न्यू गाइडलाइंस गोइंग फॉरवर्ड? टू बी ऑनेस्ट, देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हु डू देयर ओन मेकअप एनीवे. माय मेकअप हेयर को दिक्कत, लॉट ऑफ गर्ल्स आई नो, lot of actresses, boys, I do my own makeup most but boys our makeup is basic, just you know highlighting and only sad part again which I would say with the new guidelines is that lot of people who had regular money coming in, their birthdays coming in, makeup artists, hairstylists, light men, you know, spot boys, ab sab जॉब कटने वाली है. एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर बट वेरी लिटिल डिमांड. इससे रिजल्ट होगा कि जो बेचारे काम कर रहे हैं तो भी कम पैसों में करना पड़े. ये मुझे लगता है थोड़ा न्यू नॉर्मल में. एंड कहीं ना कहीं गुड्डन की स्टार कास्ट में भी अभी आगे जाके चेंजेस आने वाले हैं एंड यू नो लीप आने वाला है. सो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? गुड्डन के शो में अपने हमने लीप आने वाला है. यस, ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी है और ये भी है कि आई मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ दैट लीप. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट राइट नाउ बट 1.5 साल हमने बहुत दिल से गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कोई ब्रांड बनाया है और अगर उसके आगे बढ़ने में उसके उसकी बेहतरी के लिए अगर इफ आई एम नॉट पार्ट ऑफ द शो आई वुड से आई डोंट माइंड, इट्स ओके, व्हाटएवर इज फॉर द गुड ऑफ द शो. अगर मेकर्स को लगता है कि एक नई कहानी के साथ, एक लीप के साथ शो का कुछ भला हो सकता है और अच्छा हो सकता है, हमारी ऑडियंस एंटरटेन हो सकती है और उसमें अगर मेरी जरूरत नहीं है तो इट्स ओके, नो इश्यूज. बट व्हाट इज दैट यू नो जहां पर बात आके अटक रही है, ऐसी कौन सा मुद्दा है जहां पर यू नो यू मे नॉट कंटिन्यू विद द शो? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अटकने वाली बात ही नहीं है. इट्स अ न्यू स्टोरी दैट माइट हैपन एंड प्रीवियस कैरेक्टर्स विल नॉट बी नीडेड इन दिस न्यू स्टोरी. That's the whole point. Okay. Nishant, अगर आपके you know show की बात करें, इस show में आपको एक certain age का दिखाया गया था, तो you had to work on yourself.
बहुत कम बार ऐसा होता है कि टीवी में स्पेशली मेल एक्टर्स को ऐसा कुछ चैलेंज या कुछ ऐसा यू नो इनोवेटिव कुछ करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलता है. यूजुअली इट इज यू नो फीमेल डोमिनेटेड विमेन डोमिनेटेड अरीना टेलीविजन. सो हाउ लकी एंड ब्लेस्ड यू फील कि आपके पास ऐसा कोई रोल आया? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सच बताऊं मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे एजे के कैरेक्टर में इतने शेड्स प्ले करने को मिलेगा. मैंने एजे के चार या पांच शेड्स चार या पांच रूप प्ले करे हैं. पहला वाला एकदम खड़ूस था, दूसरा वाला एजे थोड़ा इमोशनल अपना साइड रोमांटिक दिखाने लगा था, फिर वो एक मिस्टर होंडा बन के एक अजीब सा एक रणवीर सिंह टाइप कैरेक्टर बन के आ गए थे. फिर वापस आने के बाद एजे 2.4 आया, एजे रिलोडेड, ब्रांड न्यू अवतार ऑफ एजे इन द शो. और वो भी अभी लॉकडाउन के पहले उसमें भी काफी चेंजेस हो गई थी कि वो एजे और जिंदल साहब का एक मिक्सचर आ गया था बीच में बिकॉज ही फाइनली फेल इन लव अगेन विद गुट्टा द सेकंड टाइम. तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एज एन एक्टर टू गेट सो मेनी शेड्स टू प्ले इन वन शो. एंड जो भी जर्नी रही है अभी तक आई वुड से इट्स बीन सैटिस्फैक्टरी. एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू पोर्ट्रे अ सर्टेन एज व्हिच यू आर नॉट? And the funny thing is, in the beginning, it was supposed to be, my age was supposed to be around 40 in the show. Yes. Hmm. But the way story progressed, I kept, and also because I was working on my looks and everything, so I started looking younger. And the whole story actually came to a point where they had to show that I am not 40, I'm actually somebody in 30s, early 30s, which is like my real age, almost my real age. So I think it was good. Yeah. So, आपकी और आपकी को एक्ट्रेस की आप दोनों की कनिका की केमिस्ट्री इतनी लोगों ने पसंद की है. सो नाउ आर यू मिसिंग हर? शी इज इन पानीपत, यू आर हियर, आप लोग यू नो फोन के थ्रू शूट कर रहे हो. यस 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 ऑफ कोर्स वी मिस एवरीबॉडी ऑन द सेट. सारे एक्टर्स को मिस करते हैं. एंड गुड्डन और एजे क्योंकि हम आपस में कनिका और मैं आपस में मैक्सिमम सीन्स शूट करते थे तो ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी नाइस स्पेशल कॉर्नर for her. And but I'm glad she's in Panipat. I'm very happy because of the family ke saath. Yeah, main akela hu and that's really bad to be alone for such a long time. It's not good for anybody's mental health. But I have good friends. I have my books. I have my video chats. I have live. I have an audience to talk to. So that has kept me entertained. But if given a choice, I would have been with my family. So I am also very happy that she's with her family. She's safe and she's shooting from there. I'm shooting from here. And our production is also very nice. They are somehow managing everything and creating episodes in such a difficult time. So yeah, we have to give credit to the production also. And how is lockdown treating you? What are the things you are doing to keep yourself busy? I was never a reader. मुझे लगता था मुझमें patience ही नहीं है किताबें पढ़ने की. मैं movies देख रहा था. लेकिन इस lockdown ने मुझे ये सिखाया कि यार books पढ़ने में जो मजा है ना वो फिल्में देखने में नहीं है. ये मुझे बात पहले समझ में नहीं आती थी लेकिन अब आने लगी है. So I have started reading a lot of books. मैंने तीन किताबें खत्म करी हैं पिछले कुछ दिनों में. And I plan to now continue this habit and read a lot of books for the rest of my life. I'm going to keep reading forever now. And which are the books? What books would you recommend to your fans? I am reading the series by Mr. Ramesh Tripathi, The Immortals of Meluha, The Secret of the Nagas and The Oath of the Vayuputra. ये तीन किताबें हैं. इसमें क्या है कि बहुत interesting way में सारे mythological characters को real life में लाके एक fictional कहानी बनाई हुई है. Achha. It's really amazing and it's a very it's a bestseller book, bestseller series. Yes, I've heard of so, it. Yeah. Yeah, I'm stuck on that right now. Okay, and what all have you learned during lockdown? Jo aap pehle nahi karte the lekin ab majboori ke waqt karna pad raha hai. Pehli cheez to reading books ka patience aa gaya mujhme. Dusra apne aap ke sath waqt bitana main sikha hu and it's okay. Third, I have because gym band ho gaye hain to नए नए तरीके निकाल लिए हैं मैंने टू मेंटेन योर बॉडी, मेंटेन योर फिटनेस. अलग अलग तरीके के कार्डियो में करने लगा हूँ. चौथा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर से शूटिंग कर रहे हैं तो एक अलग टेक्निक सीख ली है मैंने जिससे हम घर से एपिसोड शूट कर सकते हैं. जिसमें जैसे मैं आपको दिखाऊँ मेरे आसपास कितनी चीजें मैसी मैसी हो रखती हूँ. मेरा बॉय है तुम्हारा लाइट में यहाँ पे तो बहुत कुछ है यहाँ पे हमारे घर में जो छोटी छोटी चीजों के साथ हम कैसे मैनेज कर रहे हैं शूट कर पाना. तो ये सब नया सीखा है हमने. So I'm like the director also, I'm the actor also, मैं makeup artist भी हूँ, मैं costume भी देख रहा हूँ, मैं hairstylist भी हूँ, मैं script भी देख रहा हूँ. तो ये अकेले पूरा handle करना मैंने अभी lockdown में सीखा है. And कहीं ना कहीं क्या इसने एक you know hobby develop की है कि आगे जाके शायद आप direction या production करना चाहेंगे? यार production का तो नहीं पता लेकिन direction का शौक मुझे
पहले से ही है, मतलब हमारे शो के जो डायरेक्टर हैं वो भी, उनके साथ भी मैं कई बार ही हमारे शूट होने वाले सीन्स के साथ डिस्कस करता था, एंड आई यूज्ड टू गिव हिम आइडियाज, और वो भी सुनते थे, और उनको अगर कुछ सही लगता था तो हम शूट भी करते थे वैसे. तो यस, आई हैव दिस लिटिल बिट ऑफ नैक इन मी ऑफ डायरेक्शन, व्हिच आई थिंक आई विल बी डूइंग लेटर. काफी सारे हम एक्टर्स से बात करते हैं और हमें पता चलता है कि यू नो इट्स स्पेशली इन दिस लॉकडाउन पीरियड इट्स सो डिफिकल्ट टू you know maintain your mental balance especially when you're staying alone and you have luckily you have your parents to talk to you know jinse aap connected hain but fir bhi pure din to aap baat nahi karte reh sakte to kya advice hai kya tips denge un logo ko jo specially akele reh rahe hain is waqt mein jo bhi akele hain main yahi bolunga ki bhai jitna ho sake spend time with your friends and loved ones on the phone ek hi madhyam hai ki aap kisi insaan se baat kare और मूवीज देखें, बुक्स पढ़ें, किसी भी तरह अपना टाइम पास करें. खैर अब तो अनलॉक होना शुरू हो गई हैं चीज़ें आज से ही, तो अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन टिप्स की. इन टिप्स की ज़रूरत तो पिछले महीने या उसके पिछले महीने ज़्यादा पड़ रही थी सबको, तो अभी तो होपफुली चीज़ें खुलने लगी हैं तो लोग अब बाहर निकलेंगे. यस, बट बाहर निकल रहे हैं लेकिन याद रखिए कोरोना तो आज भी बाहर ही है, और अगर आप केयरफुल नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कि कोरोना हो जाए, सिम्प्टोमैटिक हो या एसिम्प्टोमैटिक. लेकिन जस्ट ट्राई टू बी सेफ एंड जितना हो सके जब तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो इम्पोर्टेंट है. काम पे भी जा रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, जो कि छुओ मत किसी को, दूर दूर से बात करो, ये सब करो. बट वेब सीरीज के साथ कहीं ना कहीं बोल्ड कॉन्टेंट भी आता है, यू नो देर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स या ऐसे कह सकते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो अपना कॉन्टेंट बोल्ड सीन्स के ऊपर ही सेल करते हैं. So, are you open to with web series? Obviously, बात है, bold and realistic content आता है, and they try to keep as realistic as it can. और उसमें bold scenes आते हैं. So, are you open to doing it? I'm saying that it all depends on whether that bold scene or sequence is important for the storytelling. And secondly, whether if it is being shot in a beautiful artistic way or it's being shot in a very rough and cheap way. So rough and cheap I don't like. There are many series which shoot like that and I hate to watch such series. मैं देखता भी नहीं हूँ. लेकिन अगर बहुत artistically एक romance दिखाना है और vulgar ना लगे, that's all I want. Vulgar नहीं लगेगा तो I'm ready to do. What is that one quality that you feel proud of yourself? Nishant Malkani World has posted this question. One quality that I think my that hunger for of. success. My hunger for success. I think that's unbeatable for me. Okay, Nishan, talking about reality shows, how open are you to doing reality shows like Big Boss or Khatron Ke Khiladi? Big Boss, pata nahi. Lekin Khatron Ke Khiladi wagera to I'm definitely on for that. Why not Big Boss? It's too long a commitment. 3 महीने आप अपने घर वालों से, अपने loved one से बात नहीं कर सकते हैं. You can't be in touch. You can't have any social media. You have no phone. You have no communication. तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है. You know, और अंदर अगर चीजें सही नहीं बैठी तो आप बहुत negative environment में रह रहे होते हो. तो मुझे बस वही एक 5% doubt है कि whether I will be able to overcome that or not. Otherwise, it's a great show. It's a great way of connecting with the audience and आप देखते हैं जितने लोग बिग बॉस से फाइनली निकलते हैं, जो अल्टीमेट टॉप 3 या टॉप 5 होते हैं, दे आर लाइक इंस्टेंट स्टार्स इन द एंटायर कंट्री. सो द प्लेटफॉर्म इज अमेजिंग, द ओनली प्रोसेस इज अ लिटिल टफ आई थिंक टू रीच दैट पॉइंट. यस, निशान, टॉकिंग अबाउट योर करियर एंड यू नो द वे यू स्टार्टेड इन द इंडस्ट्री, अगर उसके बारे में हम जानना चाहें तो कितना इजी रहा है आपके लिए, या यू हैव आल्सो गॉन थ्रू रिजेक्शंस एंड यू नो it has been a rough one or a smooth sailing one? Yeah, who hasn't faced rejections in life, I would say. I got a very easy access, easy entry to the industry because I was discovered by somebody in Calcutta and I gave an audition and that first audition got me my first show. Okay. But it was not easy after that. After that, I have struggled for almost 7 to 8 years to make my mark till I got Bhutan Tumse Na Ho Payega. In the middle, I tried films, I did web series, I did some television shows also. But because I was like little here, little there, little here, little there, I couldn't make my place anywhere. But now I have in television and I hope to grow this and then expand my circle. So how difficult it becomes for an actor, especially aapka show, I remember Ram Milai Jodi,
राइट द शो, इट वॉज अ वेरी पॉपुलर शो, लेकिन उसके बाद आपने बॉलीवुड का रास्ता ले लिया एंड फिर उसके बाद करियर उस तरीके से वही बोल रहा हूँ ना कि मैं काफी चीजें ट्राई कर रहा था. आई वॉज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड इन वन प्लेस, सो आई वॉज वॉन्टिंग टू ट्राई अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच. And the good thing that happened was I got a lot of experience of different mediums. The only downside of that was that I could not establish in one medium myself. Yes. So that's okay. That's part of a learning curve of any actor. Now things are much more clearer. I even took 2 years off in the middle. 2 saal maine schooling kari, padhai kari, maine acting ki, diplomas kare. So that helped me become a better actor too. So I think jo wo achhe ke liye ho, I'm very happy. एक्टर के लिए कितना स्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज ऐसे कहते हैं इंडस्ट्री में व्हेन यू आर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो उस टाइम पे एज अ पर्सन एज एन एक्टर आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखते हैं? योर लव्ड वंस, योर फ्रेंड्स, दे आर द ओनली वंस हु कैन पुल यू आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी. ये तो घर बैठ के अकेले रहना एंड देन गेटिंग रिजेक्टेड सो मेनी टाइम्स, इट कैन रियली डैमेज समबडीज सेल्फ एस्टीम. बट योर लव्ड वंस, योर फ्रेंड्स, they are there for you, they will remind you that you deserve it, and your own passion should also be there. And something which I always followed was I never had a plan B. kya hota hai plan B hota hai na, so jab plan A work nahi kar raha hota to hum sochte hain theek hai plan B to hai na, hum plan B kar lenge. maine ye risk hamesha liya ki plan B rakha hi nahi, maine socha yaar plan A hai aur ye hai aur bas yahi hai. so I think that also helped me sometimes. Okay, before wrapping up, what would you like to say your to your fans who have always supported you and been with you? My one line to my fans would be that don't be disheartened and keep supporting Kuttan Tumse Na Ho Payega, whether I am or I'm not part of that show. If I'm not, don't be disappointed. Of course, you will see me somewhere else. And humne jo 1.5 saal is show ko itna pyar se banaya hai, usko mere jaane ke baad bhi pura apna pyar dete rahe. That's it.